बेसिकली क्या आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम को वीडियो केवाईसी के लेके, जो कि आप सबको मालूम है इससे पहले हम सब अपना आधार कार्ड से पेटीएम पेमेंट बैंक को फुल केवाईसी करते थे, साथ में विदाउट आधार कार्ड भी फुल केवाईसी करते थे। बट अभी गाइज आप सबको आधार कार्ड की जरूरत भी नहीं है, अभी डायरेक्ट आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। ओनली फॉर आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका पेटीएम का पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा, यानी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक फुल केवाईसी हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा आप सबको पूरी जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, तो आप सब जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबके लिए मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बता दूं कि आपको आपका अपना पेटीएम वॉलेट को ओपन करना है, जो मिनी केवाईसी आपका वॉलेट हो या जो नया वॉलेट आप चालू करना चाहते हैं वो किसी भी मोबाइल नंबर से उसको आप रजिस्टर कर लीजिए, यानी अकाउंट आपका क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उधर एक ऑप्शन मिलता है केवाईसी के लिए, जिसमें आपको सबसे पहला जो स्टेप अभी आपको मिलेगा, यानी आपको जो आपका पेटीएम वॉलेट का जो नया वर्जन आपको अपडेट करना पड़ेगा, पुराना वर्जन जो है उसको आप नया अपडेट कर लीजिए। एक बार अपडेट करने के बाद आपको सबसे ऊपर में ही गाइस एक ऑप्शन आपको मिलता है वीडियो केवाईसी के लेके, जो कि वीडियो केवाईसी क्या होता है, आपको डायरेक्ट आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिर्फ आपको अपने हाथ में लेके अपना पैन कार्ड रखना है, जो भी पैन कार्ड आप करेगा, लेकिन ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए ना, फोटो कॉपी उसको रखिएगा। ओरिजिनल रखने के बाद आपको फाइनल तरीके से वीडियो कॉल पर क्लिक करना पड़ता है, वीडियो कॉल पर क्लिक करने के बाद पेटीएम का कस्टमर केयर से आपका कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आपका अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ता है, ओनली फॉर 5 सेकंड दिखाना पड़ता है, एक बार पीछे से उसका फ्रंट पे आप लेके खड़ा हो जाइएगा, आपका पिक खींचा जाएगा। उसके बाद आपको जैसे पिक आपको खींच लिया, उसके बाद जो आपका पैन कार्ड है पैन कार्ड का भी फोटो उधर से ले लिया जाएगा, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि अपना बाइक का कैमरा चालू कीजिए। चालू करने के बाद आपको फाइनली आपका जो पैन कार्ड रहेगा उसको फोटो खींच लिया जाएगा। फोटो खींचने के बाद आपको बोला जाएगा कि ओनली फॉर आप 2 वर्किंग डेज वेट कीजिए, 2 वर्किंग डेज के बाद आपका पेटीएम पेमेंट बैंक फुल केवाईसी हो जाएगा। तो गाइस ये काफी अच्छा खासा अपडेट है, अगर हम लोग घर बैठे अभी केवाईसी करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और साथ में कोरोना महामारी पूरे देश में जूझ रहा है, इस स्थिति में अगर हम लोग अपने घर से पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं तो अभी हम सब कर सकते हैं। साथ में फुल केवाईसी होने से बेनिफिट ये मिलता है कि हम सब अपना पेटीएम वॉलेट से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, ये काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। अगर जब तक हम अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को या वॉलेट को फुल केवाईसी नहीं करते हैं, तब तक हम अपना मनी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है वो डिसेबल रहता है, वो हम लोग उधर से मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सब क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए, साथ में कोई कैशबैक जो प्राप्त हुआ है उसको मनी ट्रांसफर करना है, तो आप सबको फुल केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आप सब फुल केवाईसी नहीं करवाए हैं तो ये जो है आप सबके लिए बहुत अच्छा खासा अपडेट है, आप सब जरूर अपना फुल केवाईसी करवा लीजिए वीडियो कॉल के थ्रू। अगर वीडियो कॉल के थ्रू करवाते हैं तो आपको 2 दिन वेट करना है, 24 आवर्स तक का टाइम लिया जाता है, लेकिन फाइनली आपको 1 दिन में ही आपका जो है फुल केवाईसी कर दिया जाता है, तो आप सब कुछ भी इश्यूज नहीं होगा। ओनली फॉर आपको पैन कार्ड रखना है और पैन कार्ड के थ्रू आपका पेटीएम वॉलेट फुल केवाईसी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको वीडियो केवाईसी के लिए कुछ इशू है या आपको केवाईसी नहीं हो रहा है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।